मैं अपने भाई बहनों में इकलौता लड़का हूँ और सबसे छोटा हूँ। मेरी तीनों बहनों का नाम है प्रीति, प्रिया और ब्यूटी। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब हम एक डरावने घर में रहते थे। दरअसल हमारा पड़ोसी ही डरावना था और सारे पड़ोसी ऐसा मानते थे। लोग ऐसा मानते थे कि हम लोगों का मोहल्ला ही एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं। बात सालों पुरानी है। मैं लगभग 5 साल का था और मेरी बहनें किशोरावस्था में थीं। हमारा कजन प्रिंस हम लोगों के साथ रहने के लिए घर आया हुआ था। उसकी उम्र भी मेरी बहनों के उम्र के ही बराबर थी। हम लोग घर की सारी बत्तियां बुझाकर छुपम छुपाई खेला करते थे। बस हम लोग खेलते हुए मेरे माता पिता के कमरे में नहीं जाते थे। पूरे घर की इकलौती रोशनी उस आदमी के पास होती थी जिसके पास टॉर्च होती थी, और टॉर्च उसके पास होती थी जो छुपे हुए लोगों को ढूंढता था। प्रीति जल्दी ही पकड़ जाती थी क्योंकि उसके बाल लाल रंग के थे। प्रिया भी इन्हीं कारणों से जल्दी ही पकड़ी जाती थी, मगर ब्यूटी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं और ब्यूटी शांति से एक जगह चुपचाप छुपे हुए थे। हालांकि इस बार प्रिया की बारी थी और इसलिए उसको मुझे, ब्यूटी और प्रीति को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसे अब बस सिर्फ प्रिंस को ढूंढना बाकी रह गया था। प्रिया उसे ढूंढते हुए हमारे माता पिता के कमरे में गई और अंदर टॉर्च की रोशनी से देखने लगी। हमारे माता पिता के कमरे में एक अलमारी थी और प्रिंस को खोजते हुए वो भी वहां जा पहुंची। वहां जाकर प्रिया ने देखा कि अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से कोई उसको देख रहा था। वो जोर से हंसी और बोली, तुम पकड़े गए प्रिंस। लेकिन अंदर से उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से स्थिर ही रहीं। मैंने तुम्हें देख लिया है प्रिंस, ये बोलकर प्रिया फिर से हंसी। अचानक खिड़की की तरफ से पर्दा हटाकर हंसते हुए प्रिंस वहां से कूदा और प्रिया उसे संदेह की नजर से देखने लगी। उसका संदेह तब डर में तब्दील हो गया जब प्रिया ने वापस अलमारी में देखा तो वो आंखें अब भी अलमारी के अंदर ही थीं। प्रिया चिल्लाई और उसने जल्दी से कमरे का स्विच ऑन किया। बत्ती जलते ही अब प्रिया और प्रिंस दोनों देख सकते थे कि अलमारी खाली थी और अंदर कुछ भी नहीं था, ना कोई आदमी, ना कोई सामान, कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद से हम लोगों ने अंधेरे में छुपम छुपाई खेलना बंद कर दिया। बात कुछ हफ्ते पुरानी है। मैं कानपुर में रहता हूँ और राहुल मेरा बहुत समय से एक अच्छा दोस्त है। गेम से लेकर हर एक चीज में हम दोनों के एक जैसे ही शौक हैं। हालांकि यहाँ जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो इस बात से संबंधित नहीं है। मेरे घर के पास कुछ घरों को छोड़कर एक खाली इमारत थी जिसमें सालों से कोई नहीं रह रहा था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसकी मरम्मत करके इसको कभी बेचा क्यों नहीं गया। पड़ोस के बच्चे इस इमारत के बारे में तरह तरह की कहानियां बताते हैं, मगर मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। हालांकि वो घर वाकई काफी डरावना था। एक रात जब राहुल मेरे यहाँ रुकने आया हुआ था तो हम दोनों ने रात में उस इमारत के अंदर जाने की सोची। रात 1 बजे हम दोनों ने एक फोन और टॉर्च लिया और वहां जाने के लिए निकल पड़े। हम लोग अपनी साइकिल से उस जगह पर पहुंचे। इमारत 2 मंजिल की थी, ईंटों से बनी थी और उसके शीशे टूटे हुए थे। घासों ने इमारत को घेर रखा था। झाड़ियों से होते हुए राहुल और मैं पीछे वाले दरवाजे से इमारत के अंदर गए। इमारत के पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ था। पड़ोस के लोग ये भी कहते थे कि आवारा लोग, नशा करने वाले लोग और गुंडे लोग यहाँ आया करते हैं। इस बात से हमारे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। अंदर आते ही हम दोनों का स्वागत एक गंदी दुर्गंध ने किया। अंदर घनघोर अंधेरा था और अगर हम अपना टॉर्च न लाते
तो कुछ भी नहीं देख पाते। हम लोग किचन से होते हुए कमरों की तरफ से घर के मुहाने की तरफ आ पहुंचे। जैसे ही हम छत पर जाने वाले थे, तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज़ ने हमारे कदम रोक दिए। भाई, मुझे लग रहा है ऊपर कोई है, मैंने राहुल से कहा। हाँ भाई, राहुल बोला, चलो चलकर देखते हैं। यार तू पागल है क्या, मैंने राहुल से कहा। राहुल, राहुल, मैंने आवाज़ लगाई, मगर तब तक राहुल लगभग ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि मुझे ऊपर जाने का ज़रा सा भी मन नहीं था, पर मुझे नीचे अंधेरे में इतना डर लग रहा था कि मुझसे नहीं रुका गया और मैं छत पर जाने लगा। जैसे ही हम छत पर पहुंचे, इस बार नीचे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करते हुए राहुल के पीछे पीछे चलते हुए नीचे पहुंचा। हम लोगों ने नीचे खिड़की की तरफ किसी को खड़े हुए देखा। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हमें उस आदमी का भूरा स्वेटर ही दिख रहा था। हमें पता था कि उसने ज़रूर ही हमें देख लिया होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर टॉर्च दिखा चुके थे। राहुल उस आदमी की तरफ चलने लगा, मैं पीछे ही वहीं खड़ा रहा। राहुल ने आदमी तक पहुंचकर झुककर उस आदमी के चेहरे को देखने की कोशिश की। राहुल की चीख निकली और उसने उस आदमी को धक्का देकर वहां से भगाया। वो आदमी किसी पुतले की तरह जमीन पर गिर गया। मेरे कॉलर को खींचते हुए राहुल ने मुझे तुरंत वहां से भागने का इशारा किया। भागते हुए जल्दबाजी में मेरा फोन सीढ़ियों पर ही गिर गया। बाहर निकलकर हम दोनों ने काफी तेज साइकिल चलाई और वापस मेरे घर पहुंचे। दरअसल जब राहुल उस आदमी के पास पहुंचा था और उसकी आंखें देखी, तो आंखों की जगह उसके चेहरे में सिर्फ काले गड्ढे थे, और उसी वक्त उसने जमीन की तरफ से किसी के गिरने की आवाज सुनी थी और एक आदमी की परछाई भी देखी थी जो अपनी आंखें गड़ाए हुए राहुल को देख रहा था। कुछ दिन बाद हम लोगों ने हिम्मत की और दोबारा उस घर में फोन ढूंढने के लिए गए, मगर मेरा फोन वहां से गायब हो चुका था। डांट खाने के डर से हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही पुलिस को बताया। अब मुझे लगता है कि ऐसा करना बेवकूफी थी। राहुल और मैं आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस इमारत में घूमने वाली बात हम दोनों पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। कुछ साल पहले जब मैं हाई स्कूल में था, इंटरनेट दुनिया में काफी लोकप्रिय हो रहा था। मुझे इंटरनेट के बारे में ज्यादा नहीं पता था, जब तक मेरे दोस्त राहुल ने मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया था। एक दिन स्कूल के बाद मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैं इंटरनेट चलाने बैठ गया। मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता था, इसलिए मैंने राहुल को मैसेज किया कि क्या वो यहाँ आकर मेरी मदद करेगा, और वो आने के लिए राजी हो गया। राहुल के घर आते ही हम लोग इंटरनेट पर एक के बाद एक पेज खोलते चले गए। हम लोगों ने नशे और बंदूक जैसी कई चीजों के पेजेस खोले। तभी राहुल ने एक लिंक पर क्लिक किया जो हमें सीधे एक चैट रूम में लेकर गई। हम लोग इस स्क्रीन पर ही देख रहे थे जो शुरू में पूरी तरह खाली थी, और फिर अचानक एक दीवार दिखने लगी, और तभी हम दोनों ने एक नोट देखा जिस पर लिखा हुआ था, कुछ बढ़िया देखना चाहोगे? मैंने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। अजीब चीज ये थी कि वो सामने से टाइप नहीं कर रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था, बस नोट दिखाकर अपनी बातें रखता था। तभी अचानक उसका कैमरा एक दूसरी इमारत की तरफ आया और हमें याद आया कि ये इमारत तो हमारे पड़ोस में है। अब उसने एक दूसरा नोट दिखाया जिससे ऐसा लगा कि उसे इन सब चीजों में मजा आ रहा है, और मुझे डर लगना शुरू हो गया था। अब उसका कैमरा एक दरवाजे पर था और वो दरवाजा खोला, अंदर आया और दरवाजा वापस बंद कर दिया। कैमरा अब एक कुत्ते के बर्तन को दिखा रहा था। उसके बाद उस आदमी ने कैमरा एक जगह रख कर उस बर्तन में कोई गंदी सी चीज डाली, और तभी
दूसरा दरवाजा खुला और एक रोती हुई जंजीरों में जकड़ी हुई लड़की कमरे में आती है। इस लड़की के गले में भी चारों ओर जंजीर थी और तभी उस आदमी ने लड़की का मुंह उस बर्तन में जबरदस्ती डाल दिया और एक दूसरा नोट कैमरे के सामने रखा जो कह रहा था, मजा आया ना। और स्क्रीन दोबारा खाली दिखने लगी। मैं और राहुल 10 मिनट तक वहां वैसे ही अचंभित होकर बैठे रहे। दूसरी तरफ से वो आदमी अब भी मौजूद था और तभी कैमरा फिर से चालू हो गया। इस बार कैमरा मेरे घर के पास वाली गली में था और उस आदमी ने जो अगला नोट दिखाया उस पर मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ था। उसने जो अगला नोट दिखाया उस पर लिखा था, दरवाजा खोलो। हम लोग आश्चर्यचकित थे और तभी नीचे से कोई सामने वाले दरवाजे को खटखटाने लगा। हमने दूसरी तरफ जाकर पीछे वाले दरवाजे से भागने की सोची, मगर हमारे उस दरवाजे को खोलने से पहले ही किसी ने उस दरवाजे को भी खटखटाना शुरू कर दिया। हम लोग बीच में फंस चुके थे। हम दोनों वापस ऊपर भागे और खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो घर के बाहर कोई नहीं था। हालांकि घर के बाहर कई सारे नोट पड़े हुए थे और उन सभी पर मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने पुलिस को उस लड़की के बारे में भी बताया और पुलिस को वो लड़की वहीं मिली। लड़की 14 साल की थी और 5 हफ्तों से गायब थी। हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर ही उस घर को छोड़ दिया और मैं दोबारा कभी इंटरनेट चलाते हुए इतने अंदर तक नहीं गया। जब मैं 6th क्लास में था तब एक दिन बारिश हो रही थी और मैं वापस घर जा रहा था। मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर जाता था। वो कोई डरावना कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि वहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना लगा होता था। मुझे याद है मैं एक बेंच के पास से गुजर रहा था जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक उठकर मेरे पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे मुड़कर देखते ही उस आदमी ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसकी वर्दी भी उसके साथ बैठे बाकी दोनों लोगों की तरह ही थी। उसकी वर्दी पर लिखा था, फरदीन। बाकी लोग आते जाते गए मगर वो अब भी मेरे पीछे ही चल रहा था। मुझे चिंता होनी शुरू हो गई। काफ़ी ठंडी बारिश है, नहीं? मैंने मुस्कुराकर सहमति जताई। मैं अपने घर के करीब आ चुका था और बारिश और भी तेज हो चुकी थी, मगर वो आदमी अब भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा, इसलिए मैंने उसी जगह से दौड़ना शुरू कर दिया। इस चीज से उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भी अपना छाता फेंक कर मेरे पीछे दौड़ने लगा। मेरी पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने दरवाजे पर पहुंचते ही सीधे चाबी निकाली और घर के अंदर आ गया। जब मैंने उसे देखा तो वो आदमी अब भी गुस्सा था और भीगा हुआ सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। फोन करते हुए जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो जा चुका था। जब मेरी माँ घर आई, मैंने उनको सारी बात बताई। उन्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस पूरी रात मैं सो न सका। बाहर बादल चमक रहे थे और बीच बीच में मैं मेरी कमरे की खिड़की के जरिए तमाम परछाइयों को देख रहा था। तभी अचानक मैंने एक आदमी का साया देखा और मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने धीमे धीमे चलना शुरू कर दिया और जब मैं बाहर वाले दरवाजे तक आया तभी खिड़की के बाहर एक हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक चेहरा दिखा। वो चेहरा फरदीन का था। मैं तुरंत अपने कमरे में भागा और उसे अंदर से बंद कर लिया। उस रात के बाद से मैंने कभी फरदीन को नहीं देखा, लेकिन आज भी जब मैं उसी तरह की नीली वर्दी देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है। मेरा जन्म 1984 में हुआ और ये बात 1989 की है। मैं उस वक्त 5 साल का था। मैं एक लड़का हूँ और 5 भाई बहनों में मैं बीच का हूँ। बात 1989 के आखिरी महीनों की है।
जब मेरी माँ हम लोगों की सबसे छोटी बहन को जन्म दे रही थी। मेरी माँ को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए मेरे पापा और अंकल उनको हमारे शहर के हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। मेरी बड़ी बहन और मैं घर पर अकेले थे। उस वक्त मुझे भूत प्रेतों के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि माँ के जाने के बाद से कितना समय बीत चुका था, मगर उस वक्त रात के करीब 12 बज चुके थे। मेरी बहन सो चुकी थी और मैं सोफे पर उसके बगल में बैठा हुआ था। हम लोग जिस सोफे पर बैठे हुए थे वो सोफा खिड़की के करीब ही था और हम लोग ऊपर वाले मंजिल पर रहते थे, इसलिए किसी का भी उस दीवार को चढ़कर खिड़की तक पहुंचना नामुमकिन था। तभी मुझे बाहर खिड़की पर किसी के हाथ पीटने की आवाज आई। वो किसी बच्चे का हाथ था और खिड़की पर उसके हाथ की कलाई के ऊपर का भाग ही दिख रहा था। शायद मैं बच्चा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मुझे ये भी नहीं पता था कि डर क्या चीज होती है। मैं सिर्फ उस हाथ को देखता गया और उसी वक्त मुझे लगा वो हाथ मेरे माँ के होने वाले बच्चे का होगा। मुझे ठीक से याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, बस मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे माता पिता अगली सुबह अस्पताल से वापस आ गए और उनकी गोद में मेरी छोटी बहन थी। जब मैं 25 साल का हो गया तब मैंने माँ को इस बात के बारे में बताया और आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे डर क्यों नहीं लगा। शायद डर को महसूस करने के लिए मैं उस वक्त काफी छोटा था। जो बात मुझे निश्चित रूप से पता है वो ये कि अगर जो चीज उस रात हुई वो अब हो तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाएगी और मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाऊंगा। ये एक सच्ची कहानी है। बात तब की है जब मैं 4 साल का था। मैं अपने माता पिता के साथ घूमने गया था। उस जगह का नाम था बिग बियर। हम लोग एक कैबिन के अंदर गए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं याद, मगर इतना जरूर याद है कि अंदर की सजावट काफी अच्छी थी। उस कैबिन में एक किचन था, बाथरूम था। हम लोग दिन में कैबिन पर पहुंचे और सब कुछ अच्छा था, लेकिन रात आते ही आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत अपनी माँ को जगाकर ये बात बताई, लेकिन उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दरवाजे पर आवाज रुक नहीं रही थी और कुछ समय बाद नाखूनों के रगड़ने की भी आवाज शुरू हो गई। मेरा पूरा परिवार काफी डर गया था और हम लोगों ने उस जगह को छोड़ने के लिए जल्दी से जल्दी सामान पैक करना शुरू कर दिया। मगर उस जगह को छोड़ने से पहले मेरे पापा ने पुलिस को फोन कर दिया था, क्योंकि आवाज सामने वाले दरवाजे से आ रही थी, इसलिए हम लोग पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। मैं कार में ही सो गया था और जब मेरी अगली सुबह आँख खुली तो मैं एक मोटल में था। अगली सुबह ही पुलिस ने हमें बताया कि हम लोगों के जाने के बाद पुलिस उस जगह पर गई जहां उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसके नाखून किसी जानवर जैसे थे। पुलिस भी काफी आश्चर्यचकित थी क्योंकि पुलिस ने कुछ ही दिन पहले एक ऐसे आदमी को पकड़ा था। पुलिस को कैबिन में ऊपर कई मरे हुए लोगों के शरीर मिले। रास्ते में पापा ने एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए कार को रोका। माँ को अंदाजा था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, मगर पापा ने बोला कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी हमें आश्वस्त किया कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। हम लोग पास वाली दुकान से टॉफी और बिस्कुट खरीदने गए। हम लोग जब सामान खरीद के वापस आए तो जो हमने देखा वो देखकर हम लोग दंग रह गए। कार के पीछे एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था,
हम लोग अभी और भी हैं, जल्द ही फिर मिलेंगे। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग उस कैबिन में दोबारा कभी नहीं गए।